हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स व्यूज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स व्यूज के पहले आपने सिंपल व्यू नहीं पढ़ रखा है या व्यू क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देख लें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स व्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स व्यू आखिर है क्या? अ व्यू इज सेड टू बी कम्प्लेक्स इफ इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल टेबल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था सिंपल व्यूज के बारे में, अगर व्यू क्रिएट करने के टाइम पे हम एक टेबल का यूज़ कर रहे हैं तो उसे सिंपल व्यू कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा टेबल का यूज़ कर रहे हैं तो कम्प्लेक्स व्यू कहेंगे। और कम्प्लेक्स व्यू की एक खासियत ये है कि कम्प्लेक्स व्यू में ग्रुप बाई क्लॉज, डिस्टिंक क्लॉज, हैविंग क्लॉज, एग्रीगेट फंक्शन, सेट ऑपरेशन एंड सब क्वेरीज का यूज होता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ व्यूज अ कम्प्लेक्स क्वेरी कैन बी कन्वर्टेड इन टू सिंपल क्वेरीज। देखो होता क्या है, ये व्यू के हेल्प से हम क्या कर क्या सकते हैं। व्यू के हेल्प से होता क्या है, कोई कम्प्लेक्स क्वेरी जो बहुत ही कम्प्लेक्स हो उसे हम एक सिंपल क्वेरी बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जेपी यूजर से कनेक्ट कर रखा है, आफ्टर डैट मेरे जेपी यूजर में डिपार्टमेंट टेबल नहीं थी तो मैंने डिपार्टमेंट टेबल इंसर्ट किया। डिपार्टमेंट टेबल इंसर्ट करने के बाद एक मैं कम्प्लेक्स व्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम CV1 है। तो मैं CV1 क्रिएट करता हूँ। क्रिएट व्यू V1 एट सिलेक्ट एस्ट्रिक एरर है, लेरर लाइन 5 ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, स्क्वेयर कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, क्या एरर है, लेट्स चेक। व्यू तो सही था, क्रिएट व्यू C1 एज सेलेक्ट ई डॉट टी एम पी एन ओ ई नेम ई डॉट सेल डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर डी डॉट टी नेम डी डॉट लोकेशन फ्रॉम ई एम पी ई डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, सारे चीज़ आई थिंक ऑलरेडी राइट है। SQL कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, लेट्स चेक। तो एरर ये है कि हमने ज्वाइन ऑपरेशन यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ ज्वाइन लिखना था, लिख दिया व्यू क्रिएटेड। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स व्यू को पैक कर दिया CV1 के अंदर। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CV1, जैसे ही लिखेंगे ये कॉम्प्लेक्स व्यू हमारे लिए रन कर जाएगी। यहाँ पे दो टेबल ज्वाइन हो रहा है, एक EMP दूसरा डिपार्टमेंट, और दोनों टेबल को ज्वाइन करके हम जो है ये फाइनल इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, ये फाइनल इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स व्यू का यूज। अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू का, तो डिफरेंस ये है कि सिंपल व्यू सिंगल टेबल पे बेस्ड रहती है और कॉम्प्लेक्स व्यू मल्टीपल टेबल पे बेस्ड रहती है। अगर मैं सिंपल व्यू की बात करूं तो सिंपल व्यू जो है उसमें सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक ग्रुप बाई, ज्वाइन, एग्रीगेट फंक्शन के बारे में मैंने ऊपर बताया। आफ्टर डैट सिंपल व्यूज जो है उसमें DML ऑपरेशन अलाउड हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स व्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स व्यू में DML ऑपरेशन अलाउड नहीं है। ओके, आगे मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि कैन वी क्रिएट व्यू फ्रॉम अनदर व्यू डेट, लेट सपोज मैंने एक व्यू अभी क्रिएट किया है CV1, क्या हम CV1 का यूज करते हुए एक दूसरी व्यू क्रिएट कर सकते हैं, हाँ या ना? तो इसका आंसर है यस। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ, क्रिएट व्यू CV2 एज सेलेक्ट EMPNO ई नेम, और क्या इससे कुछ, इससे क्या क्या सेलेक्ट कर लें, EMPNO ई नेम एंड LOC फ्रॉम CV1,
ये एक CV2 बन जाएगी, CV2 नाम का एक वर्चुअल टेबल बन जाएगा जो यूज कर रहा है CV1 को। और अगर मैं स्टैटिस्टिक फ्रॉम CV2 करूँ तो यही टेबल से सिर्फ कुछ कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो आ गए। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि एक व्यू से दूसरा व्यू बनाया जा सकता है। आपके लिए क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट अ व्यू विदाउट अ टेबल? आप इस क्वेश्चन को सर्च करो और इसकी आंसर जो है कमेंट में पेस्ट करें। अगर आपसे इसकी आंसर फाइंड नहीं हो तो हमें बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। अब बात करेंगे व्यू आप क्रिएट कर लिए, जैसे कि सारे टेबल का रिकॉर्ड जो है वो रहता है कि यूजर ने कितने टेबल क्रिएट किए हैं, उस तरीके से सारे व्यूज का भी रिकॉर्ड रहता है दैट यूजर ने कितने व्यूज क्रिएट किए हैं। तो अगर मैं यूजर व्यूज की बात करूं तो यूजर व्यूज है स्टोर करता है इंफॉर्मेशन कि यूजर जो है कितने व्यूज क्रिएट किए हैं। ओके, तो टू सी द लिस्ट ऑफ व्यूज में कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे दैट इज सेलेक्ट व्यू नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर व्यूज। तो इतने सारे व्यूज जो हैं वो जेपी यूजर ने क्रिएट किए हैं। ओके, अगर आप क्वेरी देखना चाहते हो व्यू के अंदर तो वो भी पॉसिबल है, उसे हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर व्यू। वेयर व्यू अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू CV1। तो आप इस तरीके से क्वेरी भी देख सकते हो। ओके, और मैंने आपको पहले बताया था अगर व्यू को ड्रॉप करना चाहते हो तो टू ड्रॉप व्यू और व्यू नेम, जो भी व्यू आपका है आप उसका नाम दें और डायरेक्टली आप उस तरीके से उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, असाइनमेंट कंप्लीट करें, हमें मेल करें, हम आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे डैट आपने हमारे यूट्यूब चैनल से ओरेकल सीखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।